पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सागर जरिए आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। प्रेरितों के धर्मसार में हम पढ़ते हैं, वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने विराजमान है। ये हमारा विश्वास का एक महत्वपूर्ण पहलू है, एक महत्वपूर्ण तत्व है कि यीशु मृतकों में से जी उठकर पिता के दाहिने विराजमान है। पवित्र बाइबल का दो ग्रंथ लूकस के द्वारा लिखा हुआ है, एक तो है लूकस के नाम पर सुसमाचार, दूसरा है प्रेरितों का चरित्र, एक्ट्स ऑफ द अपोसल्स, दोनों लूकस ने लिखा है। और लूकस यीशु का स्वर्गारोहण को एक केंद्र बिंदु बनाता है। सुसमाचार समाप्त होता है यीशु के स्वर्गारोहण की घटना के बारे विवरण के साथ, और इसी तरह प्रेरितों का कार्यकलाप एक्ट्स ऑफ द अपोसल्स यीशु के स्वर्गारोहण से शुरू करता है। माने यीशु का स्वर्गारोहण एक केंद्र बिंदु है, प्रभु के जो मुक्ति कार्य है और जो कार्य कलीसिया को प्रभु ने सौंप दिया है उसका केंद्र बिंदु यीशु का पुनरुत्थान है और स्वर्गारोहण है। आज हम इस महान त्योहार को मनाते हैं, कहते कि यीशु पुनरुत्थान के बाद 40 दिन प्रेरितों को दर्शन दिया, जैसे पौलुस कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 15 पद संख्या 5-8 तक में लिखते हैं कि कई दर्शनों के बारे में, कहा एक बार 500 लोगों को दर्शन दिया, तो यीशु कई बार शिष्यों को दर्शन दिए थे और उनको विश्वास में दृढ़ कर रखने के लिए, उनका विश्वास दृढ़ होने के लिए बार बार दर्शन दिया और उनको ईश्वर के राज्य के बारे में और जो कुछ जानकारी देना है दे दिया। और इसके बाद यीशु पिता के दाहिने और विराजमान हो गए हैं। आइए हम आज इस पवित्र त्योहार मनाते हुए हम प्रभु को धन्यवाद दे, यीशु मसीह के द्वारा जो कुछ कृपाएं हमें प्राप्त हुई हैं उस सब के लिए धन्यवाद दे, क्योंकि यीशु ने इतने महान कार्य हमारे लिए किया है, मुक्ति कार्य उनके द्वारा ही संपन्न हुआ है। आज इस मिसा बलिदान में युग रीति से भाग लेने के लिए हम प्रभु के सामने आए, अपने पापों पर पश्चाताप करें। विश्वास की कमी हमारे जीवन में बार बार आती रहती है, इस कमी को दूर करने के लिए हम प्रभु के सामने आए और हमारे पापों पर पश्चाताप करते हुए हम क्षमा मांगे, ताकि आज इस पवित्र मिसा बलिदान योग रीति से हम चढ़ा सकें। मस्तक है हम
सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। आइए हम प्रभु की महिमा गाए। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त है, तेरा गुण सम करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। जगत के पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू करता है। जगत का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू करता है। पिता के दाहिने विराजमान है, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भू पर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वोपरि है, तेरी महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, ऊपर शांति सुजन को। हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान ईश्वर, हे हमारे पिता, हमारा हृदय आनंद और कृतज्ञता से भर दे, क्योंकि तेरे पुत्र का स्वर का रोगन हमारे उत्थान का सूचक है। क्रिस्त हमारा सिर है और हम उनका शरीर। वे महिमा में पहुंच गए हैं, हम भी वही पहुंचने की आशा लगाए रहे। ये वर दे उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। बुद्धि के तेज और देह खुदा करने वाला ईश्वर की आत्मा मुक्ति का संदेश सुनाने में तुम्हें कृपा सामर्थ्य प्रदान करे। आमीन। पहला पाठ, प्रेरित चरित, अध्याय एक, पद संख्याएं 1-11 तक। उनके देखते देखते
वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। हे थियोफिस, मैंने अपनी पहली पुस्तक में उन सब बातों का वर्णन किया है जिन्हें यीशु उस दिन तक करते और सिखाते रहे जिस दिन वह स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए। इससे पहले यीशु ने अपने प्रेरितों को, जिन्हें उन्होंने स्वयं चुन लिया था, पवित्र आत्मा द्वारा अपना कार्य सौंप दिया। यीशु ने अपने दुख भोग के बाद 40 दिन तक उन प्रेरितों को बहुत से प्रणाम दिए कि वह जीवित थे। वह बार बार उन्हें दिखाई पड़े और उनके साथ ईश्वर के राज्य के विषय में बात करते रहे। यीशु ने प्रेरितों के साथ भोजन करते समय उन्हें आदेश दिया कि वे यरूशलेम से नहीं जाए, किंतु पिता ने जिस वरदान की प्रतिज्ञा की थी उसी की प्रतीक्षा करते रहे। उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों को उस प्रतिज्ञा के विषय में बता दिया है। यूहन जल का बपतिस्मा देता था, परंतु थोड़े ही दिनों के बाद तुम लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा दिया जाएगा। जब ये यीशु के साथ एकत्र थे तो वे उनसे पूछने लगे, प्रभु, क्या आप इसी इसराइल का राज्य पुनः स्थापित करेंगे? यीशु ने उत्तर दिया, पिता ने जिस समय को आजिन तिथियों को अपने ही अधिकार से निश्चित किया है, तुम लोग उन्हें नहीं जान सकते, किंतु पवित्र आत्मा तुम लोगों पर उतरेगा और तुम बल प्रदान करेगा, और तुम लोग यरूशलेम, सारी यहूदिया और समारिया में तथा पृथ्वी के अंतिम छोर तक मेरे साक्षी बन जाओगे। इतना कहने के बाद यीशु उनके देखते देखते आरोहित कर लिए गए, और एक बादल ने उन्हें शिष्यों की आँखों से ओझल कर दिया। यीशु के चले जाते समय प्रेरित आकाश की ओर एकटक देख रहे थे कि उज्ज्वल वस्त्र पहने दो पुरुष उनके पास अचानक आ खड़े हो गए और उनसे कहने लगे, हे गलीलियो, आप लोग आकाश की ओर क्यों देखते रहते हो? वहीं यीशु जो आप लोगों के बीच में स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए हैं उसी तरह लौटेंगे जिस तरह आप लोगों ने उन्हें जाते देखा है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। वचनों में मुक्ति संदेश है।
तेरे वचनों पे चलता रहूंगा, तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मुक्ति के तेज हृदय को उदार करने वाले ईश्वर की आत्मा मुक्ति का संदेश सुनाने में तुम्हें कृपा और सामर्थ्य प्रदान करे, आमेन। दूसरा पाठ, एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र। ईश्वर ने उन्हें स्वर्ग में अपने दाहिने बैठा दिया है। भाइयों, महिमान्वित पिता हमारे प्रभु यीशु मसीह का ईश्वर आप लोगों को प्रज्ञा तथा आध्यात्मिकता दृष्टि प्रदान करके, जिससे आप उन्हें सचमुच जान सकें। वह आप लोगों के मन की आँखों को ज्योति प्रदान करे, जिससे आप लोग यह देख सकें कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है। संतों के साथ आप लोगों को जो विरासत मिला है वह कितना वैभवपूर्ण तथा महिमान्वित है, और हम विश्वासियों के कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाले ईश्वर का समर्थ कितना अपार है। ईश्वर ने मसीह में वही समर्थ प्रदर्शित किया जब उसने मृतकों में से उन्हें जिलाया और स्वर्ग में अपने दाहिने बैठा दिया। स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों ना हो और उनका नाम कितना महान क्यों ना हो, उन सब के ऊपर ईश्वर ने इन युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थापित किया है। उसी मसीह के पैरों तले सब कुछ डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया है। कलीसिया मसीह का शरीर और उसका परिपूर्ण है। मसीह सब कुछ सब तरह से परिपूर्ण तक पहुंचा देती है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। हालेलुया, 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 प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 28
पद संज्ञा 16 से 20 तक। आज का मूल वचन है, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है। तब 11 शिष्य गलीलिया की उस पगाड़ी के पास गए जगाम यीशु ने उन्हें बुलाया था। उन्होंने यीशु को देखकर दंडवत किया, किंतु किसी किसी को संदेह भी हुआ। तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बना दो और उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। मैंने तुम्हें जो जो आदेश दिए हैं तुम लोग उनका पालन करना, उन्हें सिखलाओ और याद रखो, मैं संसार के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्यारे भाई और बहनों, आज हम लोग प्रभु का स्वर्गारोहण का पर्व मनाते हैं। इसका अर्थ है कि प्रभु यीशु ने इस संसार में अपना दायित्व पूरा किया। वे ईश्वर का अनादि शब्द है, जैसे जॉन का सुसमाचार अध्याय 1:1 में हम पढ़ते हैं कि आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। वो शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। बेतलहम में एक शिशु के रूप में यीशु जन्म लिए ताकि वे हमारा मुक्ति कार्य पूरा करे। और ये पूरा कार्य उन्होंने क्रूस तक अपने जीवन के द्वारा, अपने प्रवचनों के द्वारा, चमत्कारों के द्वारा और आखिरी में अपनी मृत्यु के द्वारा पूरा किया। क्रूस में प्रभु ने कहा, ये पिता सब पूरा हो गया है। जो उनके सुसमाचार अध्याय 19:30 में हम पढ़ते हैं, प्रभु ने कहा, पिता सब पूरा हो चुका है। जो कार्य पिता ने उनको दिया है यीशु ने उसको निष्ठा से किया और कहते हैं, पिता अभी सब पूरा हो गया। और प्रभु यीशु अभी अपनी महिमा में प्रवेश करते हैं। पुनरुत्थान के बाद शिष्यों के साथ कुछ दिन रह गए थे और बाद में वे स्वर्ग में पिता के दाहिने विराजमान हो गए। धर्म ग्रंथ कहते हैं, इब्रानियों के नाम पौलुस का पत्र अध्याय 4:14-16 तक में पौलुस लिखते हैं, हमारे अपने एक महान प्रधान याजक अर्थात ईश्वर के पुत्र यीशु जो आकाश पार कर चुके हैं, इसलिए हम अपने विश्वास में सुदृढ़ रहे। हमारे प्रधान याजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप के अतिरिक्त अन्य सभी बातों में उनकी परीक्षा हमारी ही तरह ली गई। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाए, जिससे हमें दया मिले और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। अभी यीशु अपना कार्य पूरा करके पिता के दाहिने विराजमान हो गए। जैसे हम पढ़ते हैं पौलुस का आज के पाठ में, ये पेशियों के नाम पौलुस का पत्र में पौलुस लिखते हैं अध्याय 1:20-23 तक, ईश्वर ने मसीह में वही सामर्थ्य प्रदर्शित किया जब उन्होंने मृतकों में से उन्हें पुनर्जीवित कर स्वर्ग में अपने दाहिने बैठाया। स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों न हो और उनका नाम कितना ही महान क्यों न हो,
उन सब के ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया। उसने सब कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया। आज यही हुआ है, सरकार उनका अर्थ यही है। यीशु आज अपने पिता के दाहिने विराजमान होकर, जैसे प्रभु ने शिष्यों को कहा, स्वर्ग पृथ्वी पर मुझे पूरा अधिकार मिला है। पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को पूरा अधिकार दे दिया। पिता ने कई बार बताया, विशेष करके ताबोर पगाड़ पर, ये मेरा प्रिय पुत्र है, तुम उसको सुनो। वो प्रिय पुत्र जिसने असंभव सा कार्य, मानव मुक्ति का कार्य, अपना रक्त का आखिरी बूंद तक हमारे लिए बहाकर, अपना प्राण समर्पित कर उन्होंने मुक्ति का कार्य पूरा किया और महिमा के साथ पिता के पास लौट गया। इसलिए पिता सब कुछ उनके अधीन कर दिया। आज का त्योहार के यही अर्थ है कि यीशु मसीह अभी एक नया रोल कर रहे हैं, सबों का मध्यस्थ के रूप में, सबों का मुक्ति दादा वे अपनी मृत्यु के द्वारा हो गया, अभी सबों का मध्यस्थ के रूप में स्वर्ग में विराजमान है। जैसे पौलुस लिखते हैं तिमोथी का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 5 में पौलुस लिखते हैं, केवल एक ही ईश्वर है और ईश्वर तथा मनुष्यों के बीच केवल एक ही मध्यस्थ है, अर्थात यीशु मसीह। प्रभु यीशु एक ही कार्य अभी कर रहे हैं, सबों के लिए मध्यस्थ बनकर पिता के दाहिने विराजमान हो गए और पिता ने उनको सब कुछ डाल दिया। अब ये तो ईश्वर का, क्रिसमस का समय में हमने मनाया, ईश्वर का अनादि शब्द शरीर धारण कर हमारे बीच आया, ईश्वर शरीर बनकर हमारे बीच आया और वो शरीर अभी जा गया यीशु के साथ स्वर्ग में। वो परिवर्तित शरीर है, वो शरीर ट्रांसफॉर्म्ड शरीर है। ये ऐसा नहीं है कि हमारा ये पूरा के पूरे हवा में भी उड़ सकने वाला शरीर, वो कमरा बंद होने पर भी अंदर प्रवेश करने का योग्य शरीर, परंतु वो मनुष्य का शरीर जिसमें क्रूस का यो कीलों का छेद निशाना है, जो पाले मार दिया था उनके बगल में उसका निशाना है। वो ऐसा एक शरीर लेकर ईश्वर का पुत्र पिता के दाहिने विराजमान होकर सारे संसार के लिए मध्यस्थ का कार्य कर रहा है। आज के प्रथम बार में हमने सुना, जब यीशु गए स्वर्ग, सब स्वर्ग दूतों ने आकर शिष्यों को देख कहा, ये गलीले के निवासी तुम लोग क्यों ऊपर थकते रखते हो, जाओ जो कार्य तुम्हें दिया गया है उसका पूरा करो। यीशु ने एक कार्य शिष्यों को दिया है, उनका स्वर्गारोहण का समय, जिसे हमने आज के सुसमाचार में सुना है। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, जाओ सभी राष्ट्रों को सुसमाचार सुनाओ। ये दौत्य शिष्यों को दिया, ये दौत्य पूरा करने के लिए शिष्यों को आत्मा के अभिषेक की जरूरत थी। इसलिए प्रभु ने कहा था कि तुम लोग यरूशलेम में ठगड़े रहो जब तक तुम्हें आत्मा का अभिषेक मिले, तब तक उधर ठगड़े रहना। और जब आत्मा का अभिषेक उन्हें मिला, तब वो सभी जातियों को, पूरे शिष्यगण पूरे दुनिया घूमे। हम जानते हैं कि हर एक शिष्य उस समय जितना दुनिया के बारे में उनका पता है, वो पूरे दुनिया में गए, ये यीशु मसीह ईश्वर का पुत्र है, हमारा मुक्तिदाता है, उन्होंने हमारे लिए हमारे पापों के प्रायश्चित के रूप में क्रूस पर मरे और जी उठे, उसका भी साक्षी है। यीशु की शिक्षा उन्होंने पूरे दुनिया को सुनाया और इसके उनको शक्ति मिली आत्मा का अभिषेक से। यीशु अभी पिता के दाहिने विराजमान होते हैं। आज के त्योहार के यही अर्थ हैं कि यीशु ईश्वर का पुत्र हमारे लिए जो मरे हैं, अभी स्वर्ग में जाकर पिता के दाहिने विराजमान हैं। जैसे हम पढ़ते हैं प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 7 पद संख्या
55 और 56 में हम पढ़ते हैं स्तेफनुस जो मारे जाते थे उस समय स्तेफन ने पवित्र आत्मा से पूर्ण होकर स्वर्ग की ओर अपनी दृष्टि दी और ईश्वर की महिमा को तथा ईश्वर के दागने विराजमान यीशु को देखा और वह बोल उठा, मैं स्वर्ग को खुला और ईश्वर के दागने विराजमान मानव पुत्र को देख रहा हूं। यीशु स्वर्ग गए और पिता के दाहिने विराजमान है। ये प्रेरितों ने घोषणा की। पेत्रुस यहूदियों के सामने कहते हैं अध्याय प्रेरितों का कार्यकलाप अध्याय 2 पद संख्या 33 में लिख पेत्रुस कहते हैं अब ईश्वर के दाहिने विराजमान है। उन्हें प्रतिज्ञात आत्मा पिता से प्राप्त हुआ और उन्होंने उसे हम लोगों को प्रदान किया जैसे आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं। यीशु ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर अभी हमें आत्मा का अभिषेक प्रदान करने का माध्यम बन गया। प्रभु ने अंतिम भोजन के समय शिष्यों को कहा ये तुम्हारी भलाई ये गए हैं कि मैं जाऊँ, मेरे जाने से तुम्हें आत्मा का अभिषेक मिलेगा, आत्मा को मैं भेजूँगा। अब यीशु गए, आत्मा का अभिषेक शिष्यों को दिया, वही आत्मा का अभिषेक ही हमें यीशु के कार्य जारी रखने में मदद करता है। शक्ति ऊर्जा आत्मा प्रदान करते हैं, ईश्वर का आत्मा यीशु का आत्मा अभी हमें वो शक्ति प्रदान करते हैं हम यीशु के साक्षी दे सके। ये हमारा मिशन यही है। प्रभु ने कहा जाओ दुनिया भर जाओ और जिस मैंने जिसे तुम्हें सिखाया है उसको लोगों को सिखाओ, यही मिशन प्रभु ने हमें दिया है। ये प्रोक्लेम द गुड न्यूज, ये एक जिम्मेदारी है। पौलुस लिखते हैं मुझे और तुम्हें इफ आई डोंट प्रीच द गॉस्पल दिकार मुझे यदि मैं सुसमाचार की घोषणा नहीं करूं। घोषणा करने का अर्थ है कि वो अपने जीवन में लागू करने दिखाना, घोषणा करने का प्रचार करना मुख से करना है। सुसमाचार का प्रचार करने के लिए यीशु ने हमें नहीं भेजा, यीशु ने हमें सुसमाचार की घोषणा करने के लिए भेजा है। अपने जीवनचर्या के माध्यम से अपनी सेवा के माध्यम से हम प्रभु यीशु की घोषणा करते हैं। हर बात जो हम बोलते हैं, हर कार्य हम करते हैं, एक सुसमाचार बन जाता है। सुसमाचार की पन्ना हम अपने जीवन में हर दिन लिखते हैं। जो कुछ हम बोलते हैं कहते हैं यीशु के नाम पर वो सुसमाचार बन जाता है। इसलिए हमारा जिम्मेदारी है, इसके लिए हमें आत्मा का अभिषेक चाहिए। उसके बिना सुसमाचार की घोषणा नहीं कर सकते। प्रभु ने भी शिष्यों से कहा जाओ बपतिस्मा दो, पानी का बपतिस्मा लगी वो बहुत लोग करते हैं, पानी की बपतिस्मा लेकर कोई संप्रदाय में भर्ती हो जाता है। पानी का बपतिस्मा नहीं, प्रभु हमें आत्मा का बपतिस्मा दिया। जोगन बपतिस्मा ने यीशु को देखकर कहा ये आत्मा का बपतिस्मा देने वाला है। यीशु के माध्यम से ही आत्मा का बपतिस्मा हमें मिलता है, आत्मा का अभिषेक ये हमें यीशु के कार्य करने में संबंध करेगा। हम आत्मा का अभिषेक दिन अगले हफ्ते मनाएंगे, पंतकोस्त का दिन, अपने को हम तैयार करें। आइए हम अपना विश्वास प्रकट करें। हम सब मिलकर बोलेंगे प्रेरित का धर्मसार स्वर्ग का पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा कुआरी मरिया से जन्म लिया पोंतियुस पिलातुस के शासनकाल में दुख उठाया क्रूस पर ठोका गया मर गया गाड़ा गया लिम्बुस में उतरा पांचवें मृत्यु में से जी उठा स्वर्ग पर गया सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएगा। हम पवित्र आत्मा पद का कलीसिया धर्मियों के संबंध पापों की क्षमा शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठे हैं और स्वर्ग पर चढ़े हैं।
ये आनंद का समय है जिसे प्रभु ने रचा है, इसलिए हम कृतज्ञता के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, आज के सुंदर त्यौहार के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए हम समस्त कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं, विशेष करके संत पापा एवं धर्माचार्यों के लिए कि वे स्वर्ग के योग्य जीवन बिताएं एवं दूसरों को भी स्वर्ग राज्य की ओर आकर्षित कर सकें। इसके लिए हम पिता से प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रभु येसु, तूने कहा है तुम्हारा जी घबराए नहीं, ईश्वर पर विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। हम इस समय संसार भर में कोरोना वायरस से पीड़ित लाखों लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि उन्हें तेरी सांत्वना मिले और तेरा सहारा मिले। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रेमी पिता, हम इस समय सारे संसार के सभी राजनेताओं एवं धार्मिक नेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें प्रज्ञा और साहस दे कि वर्तमान संकट की घड़ी में वे सही दिशा प्रदान कर सकें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रेमी पिता, हम इस समय सभी पुरोहितों, धर्म बहनों एवं ख्रिस्तीय विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे महामारी के इन कठिन परिस्थितियों में तुझसे जुड़े रहें और प्रार्थना और विश्वास द्वारा अपनी आत्माओं को जगाए रखें। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। हे प्रेमी पिता, इस दिव्य बलिदान में भाग ले रहे सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे इस बलिदान द्वारा बंधनों से मुक्ति, रोगों से चंगाई और पवित्र आत्मा का अभिषेक पाएं। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। ये प्रभु, ये हमारे ईश्वर, ये हमारे स्वर्गीय पिता, हमें पास्का के कृपा दानों से भर दे। ये स्वर्गीय भोजन उचित रीति से ग्रहण करने के लिए हमें शुद्ध कर कि हम पुनर्जीवित क्रिस्त के साथ एक नया जीवन पद अपना सके। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों के बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, हम तेरे पुत्र के पावन स्वर्गारोहण की स्मृति में ये उपकार चढ़ा रहे हैं। तुझे से हमारी प्रार्थना है कि इन उपकारों के पवित्र आदान प्रदान से हमारा मन स्वर्ग की ओर उठे। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दे, यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता,
ये परम उचित है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे, क्योंकि परम प्रतापी राजा प्रभु यीशु पाप मृत्यु के विजेता विस्मय विमुक्त स्वर्गदूतों के समक्ष उच्चतम स्वर्ग में आज आरोहण करते हैं। यह ईश्वर तथा मानव के बीच मध्यस्थ संसार के न्यायकर्ता और स्वर्गदूतों के सम्राट अपने सरकारों से उन्होंने हमारा मानव स्वभाव नहीं त्यागा, वरन अपने शरीर के अंग होने के कारण हमें आश्वासन दिया कि जब हम ये हमारे सिर तथा सब कुछ के स्रोत पहुंच गए हैं, वही हम भी एक दिन पहुंचेंगे। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन, पावन। परम पावन पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू ये उपकार अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा।
इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कठोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पीवो, यह मेरे रक्त का कठोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह हमारा विश्वास का रहस्य। क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। ये परम पावन पिता, ये आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कठोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। ये प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन और सभी जाचकों के साथ विश्वभर में फैली अपनी कलीसिया की सुदीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। ये प्रभु हमारे उन बंधुओं की भी सुदीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम अपने पूर्वजों को, हमारे मृत परिजनों को, हमारे मृत गुरुजनों, धर्म गुरुओं, धर्म शिक्षकों, धर्म भगनों और अपने प्रिय मृत विश्वासियों को याद करें, सबों को प्रभु के पावन हाथों में सौंप दे। हे प्रभु, इन्हें और सभी विश्वासियों को, सभी मृत विश्वासियों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सौभागी बने। और ईश्वर की माता धन्य कुवारी मरियम, उसके शुद्ध वर सेंट जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं मने रहे, तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब मिलकर प्रभु का यह शोगान करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधा तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन, आमीन, आमीन।
प्रभु यीशु ने हमें एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली प्रार्थना सिखाया है और ईश्वर को अपने पिता बुलाकर प्रार्थना करने का आदेश दिया है। इसलिए हम सागस करते हैं और कहते हैं, ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का हमें आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर हर हर विपत्ति से सुरक्षित रह गए और उस दिन की प्रतीक्षा करते रह गए जब हमारे मुक्ति दादा यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तू हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास और प्रेम पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू जो संसार के पाप लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू जो संसार के पाप लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू जो संसार के पाप लेता है हमें शांति प्रदान कर। उसका शरीर रक्त कारण नहीं बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन स्वस्थ रहे। देखिए प्रभु यीशु क्रिस्त जीवन ईश्वर के पुत्र जो आज स्वर्ग आरोहित होकर पिता के दाहिने विराजमान है, वे महिमा में प्रवेश किए। धन्य हैं हम जो प्रभु के इस जीवनदायक बोझ में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवें, आप एक शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। कोई दूसरा
याद रखो मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। ये सर्वशक्तिमान पिता, तू दयापूर्वक हमें इस जीवन में स्वर्ग के वरदान देता रहता है। कृष्ण में हमारा मानव स्वभाव तेरे पास पहुंच चुका है। उन्हीं से संयुक्त होकर हम जीवन बिताए, एक कृपा हमें प्रदान कर उन्हीं हमारे प्रभु कृष्ण के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आप लोग बिता ले। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु में जिंदा रहूं। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु में जिंदा रहूं। मिट्टी के पुतले में सांस तूने भरी, धीरे धीरे तूने दिया सृष्टि को पूरा। फूलों की खुशबू से जिंदगी भरी, जो बिता अधूरा तूने कर दिया पूरा। तेरा धन्यवाद करता रहूं जब तक यीशु में जिंदा।